नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अवश्य ही आप सब्सक्राइब करें। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी दिवस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे भारत देश की भाषा हिंदी राष्ट्रभाषा है और हम सभी जन्म से ही अपनी हिंदी भाषा को अति प्रिय और प्रेम। हिंदी में संस्कृति, कला, आध्यात्म, परंपरा, साहित्य, ज्ञान और विज्ञान समेत हजारों वर्षों की संचित विरासत समाई हुई है। यह सब कुछ एक सुखी और संतुष्ट जीवन के साथ अर्थोपार्जन में भी सहायक हो सकता है। सुख तो अपनी भाषा में ही मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद देश में अनेक छोटे छोटे शासक केंद्र स्थापित हुए, जो कि आप जानते हैं कि विदेशी मुसलमानों से इनकी हमेशा एक दूसरे से टक्कर होती रही। हिंदी साहित्य के विकास के आलोचक कई ऐतिहासिक चरणों में विभाजित हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको क्रमवार बताने वाली हूँ हिंदी साहित्य का विकास कैसे क्रमवार रूप में रहा। सबसे पहला आपको मैं बता रही हूँ आदिकाल 1375 ईस्वी से पहले, दूसरा भक्तिकाल 1375 से 1700 तक, और तीसरा रीतिकाल 1700 से 1900 तक, और चौथा आधुनिक काल 1850 ईस्वी के पश्चात, और पांचवा आप जानते हैं मध्योत्तर काल 1980 ईस्वी के पश्चात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज राशो के दरबार के कवि चंद्रबरदाई नामक थे, जो कि हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी रचना मानी गई है, पृथ्वीराज के जीवन की है, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज के जीवन की सारी बातें लिखी हुई हैं। भक्ति काल 1375 से 1700 तक के समय में रहा, जो कि काव्य धाराएं निर्गुण सगुण दो धाराओं में बांटा गया है। संत काव्य ज्ञानाश्रयी भाषा शाखा के रूप में जाना जाता है। इनके प्रमुख कवि रहे कबीर, दादुर, नानक, रैदास, मलूकदास, है ना, और सुंदरदास, धर्मदास आदि। कवियों को आप जानते हैं निर्गुण भक्ति धारा की जो दूसरी धारा थी, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा दो शाखाओं में विभक्त किया गया है। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, केशवदास और प्रेमचंद, चौहान, महाराज विश्वनाथ, रघुनाथ सिंह, ये हमारे रामाश्री शाखा के प्रमुख कवि रहे। और कृष्ण शाखा के कवि जो थे वो थे सूरदास, वृंदावन, कुंभनदास, गोविंददास, स्वामी, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, मीरा, रसखान, रहीम आदि, कबीर, मलुकदास, जयसी, सूरदास और तुलसीदास। जैसा कि आप सभी जानते हैं रीतिकाल 1700 से 1900 तक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसने कई तरह के अच्छे अच्छे निबंध और गद्य लिखे। वो एक गद्यकार थे। 1843 ईस्वी में रीतिकाल के केशव बिहारी, भूषण मती राम खानानंद जैसे सेनापति आदि हुए। आधुनिक काल में 1850 ईस्वी के पश्चात सुनते रहिए दोस्तों आप मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि आप जानते हैं पद्य के आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गद्य के वीरगाथा काल में 1050 से 1375 रही। पूर्व मध्यकाल भक्तिकालीन का समय रहा 1375 से 1700 और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900 तक रहा और आधुनिक काल 1900 से 1925 तक चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हिंदी का इतिहास बहुत ही अनोखा और बहुत ही लोकप्रिय है। भारत तो क्या, अनेक देशों के लोग हिंदी को बड़ा प्रिय और
अपने देश में हिंदी बोलना पसंद करते हैं, तो हम सब दोस्तों अपनी हिंदी भाषा को बोलकर गौरवान्वित करें और अपनी भाषा को ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रचलन में चलाएं और सभी जगह इसको बोलें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंदी, जय भारतीय, जय हिंद दोस्तों।